नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय, आप सभी का अड्डा 247 पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन की, क्लास की शुरुआत करेंगे, बट उसके पहले मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूँ, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें, जहाँ तक आपकी रीच है एक बार जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि बहुत कुछ शानदार आप सीखने वाले हैं आज के अपने सेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक से दो क्वेश्चन, भैया कभी कभी दो से ज्यादा भी, दो से तीन क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे सीजीएल के किसी किसी पेपर में, तो भाई दो से तीन क्वेश्चंस जरूर यहां पर मिलने वाले हैं। यानी मैं आपसे कह दूं कि चार से छह नंबर का जो पार्ट है आपके पेपर का, वो आज हम आपको कवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्या करिए, वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए जहां तक आपकी रीच है। चलिए भाई, देखो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था पाइप एंड सिस्टम के बाद अब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बारी है। तो बस एक बार उम्मीद रहेगी आप लोगों से, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यहां पर देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करो, जहां तक आपकी रीच है एक बार शेयर कर दो, सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, एंड शुरुआत करते हैं आज के अपने डिस्कशन की। सर आप थोड़ा जल्दी आ गए। अरे यार आशुतोष सर ने क्लास खत्म की, तो मैंने कहा ठीक है चलिए जल्दी चलते हैं, काहे को स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब एक बार जल्दी से क्या करो, वीडियो के लिंक को कॉपी करो, जल्दी से शेयर करो, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक क्लास पहुंचे, एंड शुरुआत कर देते हैं डिस्कशन की। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें। आयुष चौधरी बिल्कुल भाई, प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। चलिए सभी लोग, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी, जिसकी भैया तैयारी आज हम लोग करा ही रहे हैं, यहाँ पर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो आप कोई भी एसएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती। क्या आपके पास परफेक्ट क्लासेज होनी चाहिए? पहला तो परफेक्ट क्लासेज होनी चाहिए। जब आपके पास क्लासेज अवेलेबल हो जाए, तो स्टडी मटेरियल होना चाहिए। स्टडी मटेरियल के तौर पर आपके पास ई बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और स्पेशल वीडियो कोर्सेज जो हम लोगों के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी अगर आप एसएससी महापैक में एनरोल कराएंगे और कोड यूज करेंगे Y170 कोड यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा 78% फ्लैट ऑफ मेरे भाई, 78% फ्लैट ऑफ मिलेगा। बस इसमें आपको ऑल एसएससी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो कोर्सेज सब कुछ प्रोवाइड किया गया। सर आप जल्दी से आ गए, मुझे लगा क्लॉक लेट है। भाई हम आते हैं तो थोड़ा सा मतलब तेज ही आते हैं, टाइम के थोड़े पंचुअल हैं। हाँ हालांकि आज थोड़ा जल्दी आ गए बस केवल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दो यस सर रेडी, एक बार कमेंट में सभी लोग लिख दो रेडी, एंड शुरुआत कर देते हैं आज के अपने सेशन की। एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दो यस सर रेडी, ठीक है, शुरुआत कर देते हैं सेशन की। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दिया यस सर रेडी, एंड शुरुआत कर देते हैं सेशन की। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बच्चे मैं आप लोगों से बात करूं, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस की शुरुआत करने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर हमें बात करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? अगर मैं बात करता हूं, स्पीड की यूनिट होती या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या तो मीटर पर सेकंड में होगी। बाय चांस मैंने कहा, एक जगह लिखा था एक्स किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा था बच्चे? एक जगह लिखा था एक्स किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा था? एक्स किलोमीटर पर आवर लिखा था। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, और आपका जो डेटा है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया, यानी किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो किलोमीटर पर आर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। अगर एक्स को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में मेरे भाई कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्स किलोमीटर पर आर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चे ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है। अब इसी का अपोजिट अगर दे दे, या तो ये दे देगा, इसका अपोजिट क्या है? मान लो आपको दे दिया गया x मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपसे आंसर पूछ लिया गया किसमें? किलोमीटर पर आर में।
मीटर पर सेकेंड दे दिया, लेकिन पूछ किस में लिया, किलोमीटर पर आवर में। तो भैया किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो अगर अपोजिट पूछा गया तो इसको भी उल्टा कर दो, 5/18 था इसको उल्टा कर दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कहोगे सर 18/5, किसमें कन्वर्ट हो गया 18/5, अब क्या हो जाएगा आगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं इतना। अच्छा कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसको ये डाउट हो कि सर ये 5/18 आता कहां से, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको ये डाउट हो कि सर 5/18 आता कहां से, सर प्लीज अब एनटीपीसी CB2 की 2 की क्लास भी प्रोवाइड कीजिए। ओके अक्षय, डेफिनेटली अब आपका नाम अक्षय है तो आप प्रोवाइड तो करनी ही पड़ेगी। चलिए चलिए बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर, इसमें डाउट तो नहीं। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा, अभी क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत ध्यान से देखो, जैसे मैंने कह दिया कि स्पीड आपको दे दी गई 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। ठीक है, टाइम आपको कितना दे दिया गया, टाइम आपको दे दिया गया 60 सेकेंड्स, टाइम आपको दे दिया गया बच्चे क्या, मैंने क्या कहा 90 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, टाइम कितना दे दिया गया, टाइम आपको दिया गया 60 सेकेंड्स, कह रहा 60 सेकेंड्स आपका टाइम है, तो बताओ डिस्टेंस आप कितनी कवर करोगे, बताओ डिस्टेंस आप कितनी कवर करोगे, जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है और 60 सेकेंड्स में आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज देखो, हमें टाइम किसमें दिया गया, सेकेंड में, टाइम किसमें दिया गया सेकंड में, तो हमें किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने बताया जैसे 90 दिया गया, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते, 18 पंचे 90 हो गया। ठीक है, तो 5 × 5 कितना होगा 25, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब आपकी स्पीड कितनी है, कोगो सर 25 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि एक बात बताओ 60 सेकेंड में कितनी दूरी तय करोगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर बेटे हो जाता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, आपकी चाल कितनी है, चाल आपकी है 25 मीटर पर सेकेंड, समय कितना ले रहे हो, कोगो सर 60 सेकेंड, तो 25 × 6 कितना होगा 150 और आगे 10, यानी 1500 मीटर, 1500 मीटर को अगर किलोमीटर में पूछ दे तो 1.2 किलोमीटर, जो भी आप चाहें बोलो क्लियर, 1500 मीटर बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 1.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं इसे आंसर में, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, डन। अब एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, स्पीड आपकी दे दी गई कितनी 108 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी 108 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको मैंने दे दिया टाइम आपको दिया मैंने 30 सेकेंड्स, टाइम आपको मैंने दिया 30 सेकेंड्स, बताओ आप कितनी डिस्टेंस कवर करोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं सीखे कि नहीं सीखे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए, जल्दी 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 फास्ट, जल्दी करिए फास्ट यार। आप देखो ये सेशन आपके प्यार से बड़ा बनता है, अब आप कितना प्यार दिखा देंगे इस सेशन को, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी इस सेशन को बड़ा बनाना। ठीक है, मेरा काम है अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा एक चीज समझो, एक ये सेकेंड में दिया गया तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 108 है, 108 है, इसको 5/18 से कैंसिल मल्टीप्लाई करो, 18 से कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा, कहोगे सर 6 बार, 6 × 5 कितना होगा 30, 30 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, 30 मीटर पर सेकंड बच्चे आपकी स्पीड आ गई। अब कह रहा कि 30 सेकंड तक चलना है, तो बताओ डिस्टेंस कितना, दूरी कितना कवर कर लोगे। अभी मैंने बताया दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुणे समय के बराबर होती है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब देखो दूर 30 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है और 30 सेकंड तक आप चल रहे हो, तो 3×9 यानी 900 मीटर की दूरी आप कवर कर लोगे, कितनी दूरी तय कर लोगे, कहोगे सर 900 मीटर की दूरी हम कवर कर लेंगे, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या इसमें कोई डाउट है। अब इसी से रिलेट करके एक चीज और समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक चीज और समझ लो, देखो जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा, ए और बी दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है, इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत पेट क्वेश्चन है। मैंने कहा ए और बी दो पर्सन है, बताओ इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3 है,
तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ए और बी दो पर्सन है जिनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। बराबर दूरी इक्वल डिस्टेंस चलने में समय का अनुपात क्या होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो बताओ समय का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग तुरंत आप लोग कह देते हो कि सर अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है, गारंटी के साथ तुरंत आप कह दो कि टाइम का रेशियो कितना होगा। क्योंकि सर टाइम का रेशियो 3:2 होगा, इसको उल्टा कर देते, बस यही आपका आंसर होता है। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:2 होगा। कैसे ये चेक करना चाहते हो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। आपको स्पीड का रेशियो दिया गया था, क्या दिया गया था, स्पीड का रेशियो दिया गया था कितना, 2:3। मान लो एक ये ए है और ये बी है, ए की स्पीड कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की स्पीड कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटे। मान लो आपको 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी, तो ए कितना समय लेगा, 2 की स्पीड से चलेगा। मैं कह रहा हूं ए कितना समय लेगा, क्योंकि सर अगर ए 2 की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे का समय ले लेगा, बी 3 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे का समय ले लेगा। और क्या मैंने यही चीज आपको डायरेक्ट नहीं बताई है, क्या बच्चे यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताई है, बोलो हाँ या ना, क्या मैंने यही चीज आपको डायरेक्ट नहीं बताई है। बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, इतना अगर आपने सीख लिया तो अब इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर दो। कह रहा एबीसी 3 पर्सन है, एबीसी 3 पर्सन है, इनकी चाल का अनुपात स्पीड का रेशियो, ए बी सी 3 पर्सन है, इनकी स्पीड का रेशियो दिया गया है 1:2:3। तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का रेशियो कितना होगा, जल्दी बताओ। इक्वल डिस्टेंस कवर करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। सर मैं अक्षय बिग फैन, चलिए भाई थैंक यू, दिल से शुक्रिया यार, 800 प्लस स्टूडेंट हैं। एक बार अगर आप लोग लाइक कर दें तो मजा आ जाएगा, एक बार अगर आप लोग लाइक शेयर कर दें तो मजा आ जाएगा इस सेशन में। चलिए बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई, अभी कुछ लोग आंसर करने लग गए होंगे। मैंने क्या बताया, अगर स्पीड का रेशियो 1:2:3 है, तो अगर आपके मन में ये आ रहा, जैसे एक आंसर आ भी गया, सागर जी का आंसर आ गया, निकिता जी का आंसर आ गया कि सर 3:2:1। मेरे भाई 3:2:1 जितने लोग का आंसर आ रहा पहले ही गलत कर लो, ये तो आपका परम सत्य कहते हैं ना, परम सत्य नहीं, परम गलत आंसर है, ये तो सही हो भी नहीं सकता कभी भी। जरा ध्यान से देखो, क्यों नहीं हो सकता, बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग ये सोचते हैं ना कि ए और बी 2 पर्सन है, अगर ए और बी 2 पर्सन है और इनकी स्पीड का रेशियो 4:5 है, ये इनकी स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो, स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, कहोगे सर टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा, उल्टा कर दो। बिल्कुल करेक्ट है, 2 में तो फॉलो करता है ये, जो उल्टा करने वाला कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों का ना, ये बेटे 2 में तो फॉलो करता है लेकिन 3 में फॉलो नहीं करता है, 4 में फॉलो नहीं करता है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 3:2:1 लिखूंगा गलत हो जाएगा। मान लो ए की स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की 2 है और सी की कितनी है 3 है। ए की स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की 2 है और सी की कितनी है 3 है। मान लो आप 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, कितनी दूरी तय कर रहे हो, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो। अगर आप 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 किलोमीटर जाओगे, 6 घंटे का समय लोगे, 2 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाओगे, 3 घंटे का समय लोगे, और 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाओगे 2 घंटे का समय लोगे, ये आंसर आएगा 6:3:2। कितने लोगों का आंसर 6:3:2, एक बार जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, अब क्लियर हो गया, अब गलत तो नहीं करोगे, एक बार जल्दी से बता दो, यस सर अब गलत नहीं करेंगे, कोई स्टूडेंट अब तो गलत नहीं करेगा, एक बार जल्दी से बता दो, यस सर अब गलत नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ जाएं। यार 1000 प्लस स्टूडेंट हैं, केवल लाइक 400 हैं, बाकी लोग भी लाइक शेयर कर दो, तो सेशन थोड़ा सा हमारे कहते ना दिल के करीब तो है यार, आप लोग थोड़ा सा ना दिल से खुशी मिलती है कि सेशन लाइक शेयर, 1000 प्लस लाइक कर दो, जल्दी से 1000 प्लस लाइक कर दो, एक बार जताओ इतना क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चे, अब यहां पर अब मैं क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूं, अब मैं क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं, एक बार जल्दी से आप लोग कह दो यस सर रेडी, एक बार सभी लोग लिख दो रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट, उड़ाइए पहला क्वेश्चन बेटे, आपके सामने टाइमर आपका स्टार्ट है, उड़ाइए उड़ाइए।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ डिस्टेंस ही विल कवर इन वन मिनट। ट्रेन की स्पीड कितनी कहोगे सर, ट्रेन की स्पीड कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड बेटे कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना ले रही कहोगे सर, टाइम ले रही एक मिनट का, बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगी। भाई एक मिनट को हम क्या कह सकते हैं, क्या मैं एक मिनट को 60 सेकेंड एज्यूम कर सकता हूं? भाई एक मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड, एक मिनट सुनते दिमाग में एक इमेज आती 60 सेकेंड की। कह रहा कि सर बताओ डिस्टेंस कितना कवर करोगे, देखो ये सेकेंड में है तो ऊपर भी मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 72 किलोमीटर पर आ रहा है, किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकेंड में, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 72 को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72 यानी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड बच्चे आपकी स्पीड आ गई। आपकी स्पीड कितनी कहोगे सर, 20 मीटर पर सेकंड है भैया, 72 किलोमीटर पर आ रहे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 20 मीटर पर सेकंड बच्चे आपकी स्पीड आ गई, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई तो बताओ दूरी कितना कवर करोगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है बेटे चाल गुणे समय, बोलो होता है कि नहीं होता है। चाल आपकी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना ले रहे हो 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना 60 सेकंड है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1200 मीटर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब एक चीज समझो, एक किलोमीटर की मैं बात करता हूं, एक किलोमीटर में क्या होता है कहोगे सर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आप मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट जानता होगा एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बोलो क्लियर कि नहीं। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो इसी को मैं लिख सकता हूं 1.2 किलोमीटर, इसी को मैं लिख सकता हूं 1.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है? क्या बच्चों मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है? जल्दी बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है? एक बार जल्दी से बताइए सर, क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? वेरी गुड, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी बेटे 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। अगर कह रहा है कि अगर ये 2/3 चाल से यात्रा करे तो दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, जल्दी बताइए बताइए मेरे भाई। देखो आपको पता है, देखो ध्यान से, पहले एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, मेरे भाई डिस्टेंस कवर कर रही 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, टाइम कितना ले रही 4 घंटे, मेरे भाई 4 घंटे का समय ले रही है, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 4 घंटे का समय ले रही, तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर 180 किलोमीटर की दूरी बेटे 4 घंटे में कवर की जा रही, जरा 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे बेटे आपकी स्पीड है। अगर आप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटे, आपकी नई स्पीड क्या होगी, कह रहा आपकी न्यू स्पीड क्या होगी, बताओ। अगर मैं न्यू स्पीड की बात करता हूं, न्यू स्पीड आपकी नई चाल क्या होगी, न्यू स्पीड, अगर आप अपनी 2/3 चाल से चलते हैं, 2/3 चाल क्या होती है जरा बताओ, आपकी न्यू स्पीड क्या होगी, यानी 2/3 चाल आपकी क्या होगी जरा बताइए। अगर मैं कहूं आप अपनी 2/3 चाल से चलते हैं, अभी आपकी चाल कितनी है कहोगे सर 45, 2/3 कर दो, तो 3 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 15, 15 × 2 कितना होगा 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे बेटे आपकी स्पीड हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे बच्चे आपकी स्पीड हो चुकी है। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चलना है, और कह रहा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप 180 किलोमीटर की दूरी जाते हैं तो बताओ कितना समय लगेगा। पहले तो यह बताओ कि अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 180 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा। अगर आप 180 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से तय करते हैं तो 3 × 18 यानी 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन उसने हमसे यह नहीं पूछा, अभी कुछ लोग 6 घंटे आंसर करेंगे, कुछ लोग 6 घंटे आंसर करेंगे जो कि गलत है,
जो कि गलत है। उसने हमसे पूछा कि सर कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है। देखो पहले आपका समय कितना था, 4 घंटे, अब समय कितना है, 6 घंटे, पहले 4 था अब 6 हो गया, कितना एक्स्ट्रा लग गया, कहोगे सर 2 घंटे। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या आएगा आंसर? डी ऑप्शन बेटे करेक्ट आएगा, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। डी ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। डी ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट आएगा, एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। डी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा, बोलो एक बार क्लियर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए, एंड दिल से मेरे सभी स्टूडेंट्स को शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखना इस क्वेश्चन में खास क्या है। देखो यही क्वेश्चन है वो जो आप लोग बार बार गलत करते हो, 2 और 3 के बीच में फंस के, 2 और 3 के बीच में जो फंस के आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं वो यही क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा एक निश्चित दूरी तय करने में 2 व्यक्तियों की गति का अनुपात कितना, 21:14 है, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। 2 व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान से देखो, ए और बी 2 पर्सन हैं, ए और बी बेटे 2 पर्सन हैं। देखो अगर मैं इसको यहीं 7 से कैंसिल कर दूं तो 7 + 21, यहीं पर 7 से कैंसिल कर दो 3, 7 × 2 = 14, यानी इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है, ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 है। अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 है तो आपसे पूछ रहा कि सर ये बताओ समान दूरी तय करनी है, समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तुरंत उल्टा कर दो, अगर ये है 2 पर्सन है, क्या मैंने कहा अगर ए और बी 2 पर्सन है, तुरंत उल्टा कर दो, 2:3 होगा, 2:3, 2:3 यानी सी ऑप्शन। कितने लोग सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, एक बार जल्दी से बताओ। यस सर क्लियर, बोलो। 1400+ स्टूडेंट लाइव है लेकिन केवल 700 लोगों ने लाइक, आधे लोगों ने भी लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, आधे लोगों ने भी लाइक शेयर नहीं किया है। जल्दी से लाइक शेयर करो, एक बार जल्दी से लाइक शेयर करो सभी लोग, बिल्कुल जल्दी से लाइक शेयर कर दो, एंड बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या मजा आ गया, मजा आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, अब गलती मत करना, अब 3 हो गए, अब 3 हो गए, अब गलती मत करना। अब गलती मत करना, मैंने फिर कहा है भैया ए और बी के बारे में, अगर ए और बी 2 पर्सन है, कोई भी दे दे 7 और 9, तुरंत उल्टा कर दो, ये स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो 9:7, ये तब फॉलो करता है, ये तब फॉलो करता है जब 2 पर्सन होते हैं, ये तब फॉलो करता है बेटे जब 2 पर्सन होते हैं, 3 में फॉलो नहीं करता कि 6 5 3 6 5 4 लिख दो। ये जो 6 5 4 वाले सी ऑप्शन वाले हैं ना, इनको बहुत मारूंगा मैं किसी दिन। चलो सुनो, बहुत ध्यान से देखो, सबसे सरल तरीका देखो, चाल का अनुपात क्या है, स्पीड का रेशियो कितना है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो कितना है, कहोगे सर स्पीड का रेशियो 4:5:6 है, 4:5:6 है, यानी पहले की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की 5 और तीसरे की 6 किलोमीटर प्रति घंटे, समान दूरी तय करना है। कह रहा समान दूरी तय करो, आप तीनों का एलसीएम लिया करो, 4 5 6, एलसीएम कितना आएगा 60, मान लो 60 किलोमीटर की दूरी जानी है, 60 किलोमीटर की दूरी जानी है। अब जरा ध्यान से देखो, टाइम समान दूरी, समान दूरी, सबको 60 किलोमीटर जाना है, ये 4 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा 15 घंटे, ये देखो 5 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 12 घंटे, ये देखो 6 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 10 घंटे, यानी 15 12 और 10, 15 12 और 10 यानी ऑप्शन नंबर डी, 15 12 और 10 यानी ऑप्शन नंबर डी डेफिनेटली करेक्ट है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं, कुछ ऐसा जो मजा आ जाएगा कल की क्लास के लिए, बहुत मतलब कहते बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, मेरा गला इतना खराब है लेकिन उससे बड़ी अनाउंसमेंट है, चाहे मुझे रात भर जग के आपके लिए मेहनत करनी पड़े, लेकिन आज एक बहुत बड़ा ऐलान करके जाऊंगा यहां से आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन अगर कोई कर दे तो मैं जानू, अगर ये क्वेश्चन कोई भी एक स्टूडेंट कर दे तो मैं जानू। गर्म पानी दे दो, गला बहुत खराब है, दे दो। चलो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो यार, 1500+ लोग लाइव हैं और केवल 900 लोगों ने लाइक कर रखा, लाइक शेयर भी करते हुए चलो यार, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ए जो है बी से दो गुना तेज दौड़ता है, ए जो है बी से दो गुना तेज दौड़ता है, अच्छा बी जो है सी से तीन गुना तेज दौड़ता है, बी जो है सी से तीन गुना तेज दौड़ता है, यदि सी एक घंटे चौवन मिनट में कोई दूरी समान दूरी तय, एक घंटे चौवन मिनट में अगर दूरी तय करता तो बताओ ए कितने समय में तय करेगा। अगर सी 1 घंटे 54 मिनट में तय करता तो बताओ ए कितने समय में तय करेगा। यह क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया, जरा ध्यान से देखो। अब हमारा और आपका कंपैरिजन करते हैं, भैया आप जवान हो, जीडी के स्टूडेंट हो, आप जवान हो, आपके सामने एक बुढ़ा आदमी भी खड़ा है, यानी मैं, हालांकि इतना भी बूढ़े नहीं है हम आपसे, ठीक है। देखो ए और बी, मैं और आप, ए फॉर आप, बी फॉर आपका बगल वाला, ए फॉर आप, बी फॉर बगल वाला। देखो आपकी स्पीड मेरे से दो गुना ज्यादा है, आपकी स्पीड मेरे से दो गुना ज्यादा है, आप मेरे से दो गुना ज्यादा स्पीड चलते हो, ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड मेरे से दो गुना ज्यादा है तो जितना टाइम मैंने लिया उसका जस्ट आधा समय आप लोगे। अगर आपकी स्पीड मेरे से तीन गुना ज्यादा है तो जितना समय मैंने लिया उसका जस्ट एक तिहाई समय लोगे। अगर आपकी स्पीड मेरे से चार गुना ज्यादा है तो जितना समय मैंने लिया है दूरी तय करने में उसका एक चौथाई समय आप लोगे। अगर आपकी स्पीड मेरे से पांच गुना ज्यादा तो जितना समय मैंने लिया है उसका जस्ट 1/5 समय लोगे। यानी बच्चे जिस अनुपात में स्पीड बढ़ती है उसी अनुपात में समय घट जाता है। क्या? जिस अनुपात में, जिस रेशियो में स्पीड बढ़ती है उसी रेशियो में क्या होता है, समय घटता है। स्पीड 2 से बढ़ेगी तो समय आधा हो जाएगा, स्पीड 3 से बढ़ेगी समय 1/3 हो जाएगा, स्पीड 4 से बढ़ेगी समय 1/4 हो जाएगा, स्पीड 5 से बढ़ेगी समय 1/5 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, अब हम इसका यूज यहां पे कैसे करेंगे। देखो सी 1 घंटे 54 मिनट का समय ले रहा है, सी कितना समय ले रहा है, कहोगे सर सी 1 घंटे 54 मिनट का समय ले रहा है। आप लोगों से करवाऊंगा, परेशान मत हो, बहुत ध्यान से देखो सी कितना समय ले रहा है, कहोगे सर सी 1 घंटे 54 मिनट का समय ले रहा है, 54 मिनट, 1 घंटे 54 मिनट। तो मेरे भाई 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 54 मिनट, यानी कितना होगा, 4 और 6 5 11 114 मिनट। यानी मैं कह सकता हूं जो सी है वो दूरी को तय करने के लिए 114 मिनट का समय ले रहा है। अगर बच्चे सी दूरी को तय करने के लिए 114 मिनट का समय ले रहा तो बताओ बी कितना लेगा। मैं बात करता हूं बी कितना लेगा, जरा बताओ। आपको पता है जो बी है वो सी से तीन गुना तेज दौड़ता है, भैया जो बी है वो सी से तीन गुना तेज दौड़ रहा है। कौन तेज दौड़ रहा है, कहोगे सर बी दौड़ रहा है। कितना तेज दौड़ रहा है, तीन गुना। अगर तीन गुना तेज दौड़ रहा है तो जितना समय सी ने लिया उसका जस्ट 1/3 समय लेगा, 1/3 समय लेगा। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 कितना बच गया, 2 24 होगा, 3 8 24 38 मिनट का समय लेगा। यानी बी 38 मिनट का समय लेगा। अगर बच्चे बी 38 मिनट का समय ले रहा तो बताओ ए कितना लेगा। आपको पता है जो ए है वो बी से दो गुना तेज दौड़ रहा है, जो ए है वो बी से दो गुना तेज है। अगर ए बी से दो गुना तेज है तो जितना समय बी ने लिया उसका जस्ट आधा समय मेरे भाई ए लेगा। यानी ए 19 मिनट का समय ले लेगा, ए 19 मिनट का समय ले लेगा। 19 मिनट का मतलब है यानी डी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 19 मिनट यानी डी ऑप्शन। मेरे भाई 1600 प्लस स्टूडेंट लाइव हैं, एक बार अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो मजा आ जाएगा इस सेशन में। एक बार आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग लाइक शेयर कर दें जल्दी से। नेक्स्ट, अब ये करके दिखाओ पेपर के लिए। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हैं उसमें आपने देखा होगा, ये SSC CPO का क्वेश्चन है, CPO SI का। चलिए जल्दी करिए, जल्दी चला करिए बच्चे आप लोग। हाँ अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे जल्दी करिए फास्ट। अब बहुत ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। An express train travel at an average speed of 100 km per hour, stopping for 4 minutes after every 75 km. How long will it take to cover destination 600 km from the starting point? देखो, मेरे भाई एक बात बताओ,
आपसे कह रहा है ट्रेन की स्पीड कितनी, कहोगे सर ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ट्रेन की स्पीड कितनी 100 किलोमीटर प्रति घंटे, उसे दूरी कितनी कवर करनी, उसे दूरी कवर करनी 600 किलोमीटर। अच्छा यहां पर ट्विस्ट कहां पर है, पूरी की पूरी कहानी कहां बिगड़ रही है, कह रहा कि स्टॉपिंग फॉर 4 मिनट, 4 मिनट का स्टॉप लेती, स्टॉपिंग फॉर 4 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, हर 75 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का स्टॉप लेती है। मेरे भाई एक बात सोचो, अगर ये लाइन ना लिखी होती स्टॉपिंग फॉर 4 मिनट और केवल ये लिखा होता कि जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर, अ ट्रेन एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भैया 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर बच्चे ये लाइन ना लिखी होती कि हर 75 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का स्टॉप लेगी तो आपका आंसर कितना आता, तो बच्चे मेरा आंसर आ जाता एक लाइन में, कैसे आप 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, कितनी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है, 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है, 6 घंटे में आप अपनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अगर ये स्टॉपेज वाली लाइन ना लिखी होती, अब लेकिन प्रॉब्लम तो स्टॉपेज वाली लाइन का है ना, अगर स्टॉपेज ना लेते तो आप 6 घंटे में अपनी दूरी तय कर लेते, अगर आप स्टॉपेज ना लेते तो 6 घंटे में आप अपनी दूरी तय कर लेते। अब बात आती कि सर स्टॉपेज भी हमें कैलकुलेट करने, तो स्टॉपेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, देखो 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, 75 किलोमीटर पर स्टॉप ले रहे हो, 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, हर 75 किलोमीटर पर बेटे आप स्टॉप ले रहे हो तो कितने स्टॉप मिलेंगे, कहोगे सर 8 स्टॉप मिलेंगे, कितने स्टॉप मिलेंगे 8 स्टॉप मिलेंगे, कितने स्टॉप मिलेंगे 8 स्टॉप मिलेंगे, नहीं मेरे भाई 8 स्टॉप नहीं मिलेंगे। भाई एक बात बताओ, जैसे मुझे यहां से कानपुर जाना है और मैं दिल्ली से चला, और मैं यहां से दिल्ली से चला आगे क्या कहते हैं गाजियाबाद रुका, गाजियाबाद के बाद टुंडला रुका, अलीगढ़ टुंडला रुका, और जब मैं कानपुर पहुंचा तो जो चौथा स्टॉप कानपुर है, जो कानपुर हमारा चौथा स्टॉप है, वो स्टॉप नहीं है, वो डेस्टिनेशन पॉइंट है। क्या है बेटे, वो डेस्टिनेशन पॉइंट है, और डेस्टिनेशन पॉइंट कभी भी स्टॉप में कैलकुलेट नहीं होता, काउंट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे और एक कम कर देंगे, यानी कितने स्टॉप मिलेंगे 7 स्टॉप मिलेंगे, 8वां स्टॉप हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, समझ गए, 8वां स्टॉप जो होगा बेटे वो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, यानी कितने स्टॉप हो गए 7 स्टॉप हो गए, और एक स्टॉप 4 मिनट का है तो 28 मिनट आपको और लग गए, यानी कुल मिलाकर आपको 6 घंटे 28 मिनट का समय लग रहा है, 6 घंटे 28 मिनट का समय लग रहा है, कितना बेटे 6 घंटे 28 मिनट का समय लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बेटे इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है, बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये करके दिखाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किले से बंदूक चलाई जाती है, एक किले से बंदूक चलाई जाती है, अगर आदमी 10 सेकंड के बाद आवाज सुनता है, यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है तो किले से आदमी के बीच की दूरी कितनी है, बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, मैथ में बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं और बेहतरीन चल भी रही है, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किले से एक बंदूक चलाई गई, एक किले से एक फायर किया गया, ये एक किला है, ये बच्चे आपका एक किला था बचपन में, ऐसे हम झोपड़ी बनाया करते थे, बट ये किला है, यहां से एक फायर किया गया, एक पर्सन यहां पर खड़ा है, इस पर्सन को, ये पर्सन यहां खड़ा है, यहां से जो फायर हुई वो फायर की आवाज इस पर्सन को के पास जब पहुंची, तो यहां से जब फायर की गई इस पर्सन तक ये आवाज पहुंचने में कितना समय ले रही, 10 सेकंड का समय ले रही, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी पर्सन, ये जो डिस्टेंस है पर्सन की और कहते हैं किले के बीच की, ये कितनी है, ये कितनी है बताइए, बताइए कितनी है। तो देखो मेरे भाई आप एक बात देखो, ध्वनि की स्पीड कितनी, ध्वनि की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 10 सेकंड के बाद टाइम कितना ले रही बेटे, 10 सेकंड के बाद पर्सन को सुनाई दे रही है, इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर की हुई, मैंने बताया दूरी बराबर होता है चाल, दूरी बराबर क्या होता है, अरे मेरे भाई अभी मैं इतनी आपको डिस्टेंस ही पूछा गया, मैं उतनी देर से बता रहा हूं कि दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, कहोगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय,
गुणे समय, समय तो चाल कितनी कहोगे सर, चाल आपकी है 330 और समय कितना ले रहे हो 10, यानी 3300 मीटर दूर, 3300 मीटर है। और 3300 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूं, 3300 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3.3 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3.3 किलोमीटर दूर है, 3.3 किलोमीटर दूर है मेरे भाई। पर्सन, किले से पर्सन के बीच की दूरी 3.3 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस है। चलिए बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करो यार, दबा के शेयर करो। देखो ये क्वेश्चन आ गया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा करिए जल्दी से करिए, फिर हम आपको कुछ और कुछ बिग अनाउंसमेंट करें जल्दी से। आप लोग देखो 1600 प्लस स्टूडेंट इस वक्त लाइव हैं, एक बार 1600 लोग शेयर करेंगे 2000 प्लस पहुंचेंगे, 2000 पहुंचने पे मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोग लिए करने वाला हूं आज, बहुत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं आप लोग लिए करने वाला हूं कल के लिए, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, आप लोग लाइक शेयर करके इसको 2000 पहुंचाइए, 2000 पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, अभी मैं पीपीटी में दिखाऊंगा वो अनाउंसमेंट है क्या आप लोग लिए। चलिए देखिए ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग टोटल टाइम ऑफ 41 मिनट। देखो ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, अगर मैं वॉक करता हुआ जाता हूं, किससे गया, वॉक करते हुए गया और राइडिंग करते हुए वापस आ गया, क्या मैंने बोला, अगर मैं वॉक करते हुए गया राइडिंग करते हुए वापस आ गया तो मुझे कितना समय लग रहा है, कहोगे सर अगर मैं वॉक करते हुए गया राइडिंग करते हुए वापस आ गया तो मुझे 41 मिनट का समय लग रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई कुड वॉक बोथ वे इन 55 मिनट, अगर मैं बोथ साइड वॉक करता, मैं वॉक करते हुए जाता, वॉक करते हुए वापस आ जाता, मैं भैया वॉक करते हुए जाता और वॉक करते हुए वापस आ जाता, यानी W प्लस W यानी 2W की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर W प्लस W यानी 2W की वैल्यू कितनी है, 55 मिनट है। अगर आप इसी डिस्टेंस को, क्या मैंने बोला, अगर आप इसी डिस्टेंस को वॉक करते हुए जाते, देखो सुनो, वॉक करते हुए गए राइडिंग करते हुए वापस आए 41 मिनट, वॉक करते हुए गए वॉक करते हुए आए 55 मिनट। कह रहा है कि अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करूं, अगर मैं राइडिंग करता हुआ वापस जाऊं और राइडिंग करता ही वापस आ जाऊं, यानी 2R की वैल्यू क्या होगी, 2R की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा क्वेश्चन है मेरा, समझाने का मतलब समझो, ये बेटे पूरा होल क्वेश्चन है, ये मेरा कहने का मतलब है, समझो समझो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। देखो देखो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन को बेटे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 2W प्लस 2R, 2W प्लस 2R किसके बराबर, 82 के बराबर, और 82 के बराबर हो गया ना, और आपको पता है 2W की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर 2W की वैल्यू कितनी है, 55, माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2R बचेगा, और 2R की वैल्यू कितनी, 12 में से 5 गया कितना गया 7, और ये कितना हो गया, कहोगे सर 27। अब यहां पर डिवाइड मत कर देना, 2R का मतलब हो गया कि राइडिंग करते हुए गया राइडिंग करते हुए, यानी 2R की वैल्यू 27 मिनट, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं इसकी ट्रिक सिखा दूं, एक इसकी ट्रिक सिखा दूं आपको, एक डायरेक्ट एक लाइन, वन लाइनर ट्रिक क्या है, समझो ध्यान से, वन लाइनर ट्रिक क्या है मेरे भाई, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये तो डिटेल था मैंने आपको समझा दिया, बट मेरे भाई अगर आपको एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पैदल गया और घुड़सवारी करते हुए वापस आए तो 41 मिनट लगे, तो भाई इसके डबल से, इसके डबल से, इसका डबल कितना हो गया 41, डबल कितना हो गया 82, इससे क्या करते हैं, इससे मेरे भाई वॉकिंग वाला, बोथ साइड वॉकिंग वाला माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, 55 माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यार गलत तो नहीं हुआ, 81, अरे यार इसका डबल कर रहा है ये, कितना 82 है मेरे भाई, ये 82 है, 12 में से 5 गया कितना 7, और ये कितना जाएगा 27, डायरेक्ट इतना ही आंसर था। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे आपको थ्योरी बतानी थी कि भैया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या, होल कॉन्सेप्ट यही है, होल कॉन्सेप्ट मेरे भाई यही है, ठीक है, होल सोल अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट मेरे भाई पूरा मैंने बता दिया, उसके बाद वन लाइनर मैंने आपको सिखा दिया कि एक लाइन में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए अगला करके दिखा दो इसी बात पे, और इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं वो दिल खुश कर देंगे, इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद दिल खुश क्वेश्चन करने वाले आने वाले हैं। चलो देखो एक लाइन में आंसर करना, देखो एक व्यक्ति पैदल जाता और घुड़सवारी करते हुए वापस आता तो 6 घंटे 45 मिनट लगते हैं, पैदल गया घुड़सवारी करते हुए वापस आ गया,
अगर पैदल गया और घुड़सवारी करते हुए वापस आया है तो 6 घंटे 45 मिनट, पैदल गया पैदल वापस आया तो 7 घंटे 45 मिनट। तो कह रहा कि अगर मैं दोनों साइड घुड़सवारी करूं तो कितना समय लगेगा। मैंने क्या कहा था, इससे इसके दो गुने से इसको माइनस कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसका दो गुना कितना होगा, कहोगे सर 6 का 2 गुना हो गया 12 घंटे 45 का दो गुना हो गया 90 मिनट। 12 घंटे 45 90 मिनट से आप क्या माइनस कर दो, 7 घंटे 45 मिनट माइनस कर दो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बोथ साइड राइडिंग का 2R की वैल्यू डायरेक्ट आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी 45 मिनट, और ये कितना हो गया 5 घंटे, तो 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट यानी ऑप्शन नंबर ए एक लाइन में। भैया कौन सी पार्टी मना रहे यार, किसने किसको पार्टी पे नहीं बुलाया, ठीक है। इक्वेशन इक्वेशन डिटेल पूछना है तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लो, एक लाइन पीछे जाके देखो, आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। अब यार कुछ नया होने वाला, अब इसको समझो, जो पेपर में बार बार आते हैं एवरेज स्पीड, बार बार आता है एवरेज स्पीड, सर बार बार आता है एवरेज स्पीड, सर कैसे करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन, बच्चे हमसे कह रहा है अ मैन गोस फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। यही तो क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा डिटेल देखना, मैं डिटेल समझाने जा रहा हूं, समझो, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को छोड़ो और यहां पर आओ, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे एक सेकंड में वापस आएंगे। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि आपसे कहा जाए ये डिस्टेंस है ए और बी, ये ए और बी आपकी डिस्टेंस है, अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा 20 और 30 वाला जो था मैं आपको करके दिखा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं, पहले बेसिक समझ लो। देखो जब आप ए से बी तक गए तो आपकी स्पीड कितनी एक्स किलोमीटर प्रति घंटे, जब आप ए से बी तक गए तो आपकी स्पीड कितनी एक्स किलोमीटर प्रति घंटे, जब आप बी से ए तक वापस आए तो आपकी स्पीड कितनी वाई किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे कह रहा कि बताओ पूरी यात्रा के दौरान आपकी औसत चाल कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल कितनी होगी। तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है 2xy/x+y, सभी लोग इसका फॉलो करते हैं, क्या 2xy/x+y। अब मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, जो क्वेश्चन आपको अभी मैंने दिया था, आप 20 की स्पीड से गए हो 30 की स्पीड से वापस आए हो, जाते वक्त ए से बी तक गए हो तो 20 की स्पीड से और जब आप वापस आए तो आपकी स्पीड कितनी है 30 आ गई। भाई जाते वक्त आपकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे, वापस आते वक्त आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो औसत चाल कितनी होगी, यहां रख दो 2×20×30 बटे 20+30 यानी कितना हो गया 50, ये जीरो इससे कैंसिल कर दो, 5×20 हो गया, 3×12×2 कितना हो गया 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है। लेकिन मेरे भाई एक छोटी सी चीज बताओ, अगर ये ए बी के बाद आगे सी तक चला जाए, सी के बाद आगे डी तक चला जाए, तो क्या आपका ये फॉर्मूला काम आएगा मेरे भाई, डेफिनेटली क्या ये फॉर्मूला काम आएगा। मैं कह रहा हूं आप ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, फिर सी से डी तक चले गए, आपने 3 बार डिस्टेंस कवर की, तो क्या आपका यह फॉर्मूला काम आएगा उस जगह, बताओ क्या आपको यह फॉर्मूला काम आएगा उस जगह, बताइए। कहोगे सर कदापि नहीं कब फॉलो करेगा यह फॉर्मूला। तो मेरे भाई अगर यह फॉर्मूला इतना ही बेकार है, मैंने कहा बेकार नहीं है, कई बार जरूरत पड़ेगी, जल्दी जल्दी में हम इसका यूज करेंगे, जल्दी जल्दी में इसका यूज करेंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन इतना ही छोटा थोड़ी ना आएगा, पेपर में क्वेश्चन बड़ा आएगा, डेटा बड़ा आएगा, पहले आप ए से बी तक जाओगे, फिर बी से सी तक जाओगे, फिर सी से डी तक जाओगे, फिर डी से ई तक, आपने 4 बार डिस्टेंस कवर कर दी या 3 बार डिस्टेंस कवर करोगे तो ये फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। अब मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट देता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को आएगा तो मैं कैसे करूंगा। अब मेरी ट्रिक समझिए, देखो अब आप मेरी ट्रिक समझिए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए जैसे आप ए से बी तक गए, समझने की कोशिश करना, और एक बार अगर ये सीख गए तो जिंदगी में कभी भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, जिंदगी में कभी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ए से बी तक गए तो आपकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और बी से ए तक जब वापस आए तो आपकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, 20 की स्पीड से गए 30 की स्पीड से वापस आ गए, तो 20 और 30 का एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम कितना है कहोगे सर 60 किलोमीटर, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा कहोगे सर 60। भाई 20 मैंने कहा 20 की स्पीड से गए हो और 30 की स्पीड से वापस आ गए, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना है कहोगे सर 60, और जो भी एलसीएम आ जाए
जो भी एलसीएम आता है हम उसे मान लेते हैं एबी के बीच की दूरी है। एबी के बीच की दूरी कितनी? 60 किलोमीटर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं आपको कुछ समझाता हूं, लिखो इसकी ट्रिक क्या होती है, समझो इसकी ट्रिक क्या होती है। और यही एक ऐसी ट्रिक है जो आपको सारे क्वेश्चंस का समाधान कर देगी, सारे क्वेश्चंस आपके समाप्त हो जाएंगे इस ट्रिक के बाद, आपके कहते हैं एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चंस समाप्त हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, आपको पता है एवरेज स्पीड, लिख लो बच्चे, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत, हिंदी में समझो, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। समझो कुल दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर जा रहे हो, 60 किलोमीटर वापस आ रहे, यानी 60 किलोमीटर गए, 60 किलोमीटर वापस आए, 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखो, अब समय कितना लग रहा है? 60 किलोमीटर गए हो 20 की स्पीड से, भैया 60 किलोमीटर, ये जो 60 किलोमीटर है 20 की स्पीड से जाओ कितना समय लगेगा? 20 यानी 60 यानी 3 घंटे का समय लगेगा। 60 किलोमीटर वापस आओगे 30 की स्पीड से, ये 60 किलोमीटर वापस आओगे 30 की स्पीड से, 30 दुनी 60 यानी 2 घंटे का समय लगेगा। 120 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 दुनी 10, 5 चौको 20 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर एक बार बताओ, ये सर क्लियर सीख गए, एक बार 1650 लोग इसमें लाइव हैं, एक बार 1650 लोग मुझे बताएं क्या आप लोग सीख गए। अगर आप लोग सीख गए तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि कुछ आगे कभी भी इसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, आगे बेटे कभी भी इसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। जल्दी करिए बताइए, यस सर क्लियर। भाई आप लोग लाइक शेयर कर नहीं रहे, आज आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे, बिल्कुल भी लाइक शेयर नहीं कर रहा है, बिल्कुल लाइक शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों का, लाइक शेयर करो यार। चलो देखो, अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 11 पे वापस आते हैं। अभी एक अनाउंसमेंट भी आप लोग के लिए करनी है, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 10, यही तो था मेरे भाई, यही तो था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस पर वापस आ गए, ये क्वेश्चन तो हो गया, 20 और 30 वाला तो हो चुका है। अगला देखो, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, ये लो करो टाइमर आपका स्टार्ट, और जो सिखा दिया वही सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कभी कुछ मत यूज करना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे इस बात की गारंटी है, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे इस बात की पूरी गारंटी है मेरी। जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कवर हाफ ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर। एक पर्सन है, उसने अपनी जर्नी को दो पार्ट्स में बांट दिया, आधी जर्नी, आधी जर्नी कवर कर रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, आधी जर्नी कवर कर रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कह रहा कि अब बताओ पूरी यात्रा में आपकी औसत चाल कितनी है। देखो ध्यान से, मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया, आपको पता है 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 30 और 60 का जो एलसीएम आएगा कितना है? कहोगे सर 60 आएगा, 60 आएगा ना, जो भी एलसीएम आएगा, मान लो ये डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस भी बेटे 60 किलोमीटर, पूरी 60 मत मानना नहीं तो डेसिमल आ जाएगा, पूरी 60 मानोगे तो डेसिमल आएगा, ठीक है। अगर तीन भाग में होता, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, तो मैं 60 60 60 करके तीन बार मान लेता, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, मैंने कहा औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एक लाइन में देखो कैसे आती है, कुल दूरी कितनी है? पहले 60 किलोमीटर कवर की, फिर 60 किलोमीटर कवर की, 120 किलोमीटर। 60 किलोमीटर गए हो 30 की स्पीड से, 60 किलोमीटर गए हो 30 की स्पीड से, दो घंटे लगेंगे। 60 किलोमीटर गए 60 की स्पीड से, एक घंटे लगेंगे। 120 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 3 चौको 12 यानी कितना गए? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, बोलो हाँ है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, दिल से बताना, सभी लोग से मैं पूछ रहा हूं, जितने लोग मुझे यहां पर देख रहे हैं, सच बताना दिल से, एकदम दिल से पूछ रहा हूं, क्या मैथ टफ लग रही है? क्या मैथ टफ लग रही है? साथ साथ इस क्वेश्चन को भी देखते रहो, इस क्वेश्चन को भी देखते रहो, टाइमर भी आपका स्टार्ट, क्या मैथ टफ लग रही है? आपको लग रहा कहीं पर भी, अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो, क्या आपको मैथ टफ लग रही है? अगर टफ लग रही है तो मेरे को एक बार कमेंट कर दो कि सर मैथ टफ लग रही है आपके पढ़ाने के बावजूद, एक बार कमेंट कर दो। चलो अब
अब जरा ध्यान से देखो, नो सर नो सर, बिल्कुल गजब से समझ में आ रहा। मैंने पहले ही कहा यार, मेरी क्लास जिसको मैथ से डर लगता हो एक हफ्ते केवल 8 बजे आ जाओ, उसके बाद मैथ से डर खत्म हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 3 बराबर दूरी को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 3 बराबर दूरी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं करो 3 और 4 और 5 और कितनी भी दे दे, 1, 2 और 3, ये 3 बराबर दूरी है, ये 3 बराबर दूरी। बहुत ध्यान से देख लेना, एक लाइन में आपका आंसर ला दूंगा भाई। यहां पर पहले आपने तय किए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बाद में आपने तय किए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां पर आपने तय किए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बोलो हाँ है ना, 10 12 15 बोलो, इस तरीके से आप कवर कर रहे हो ना। आपको पता है 10 12 15 भैया, 10 12 और 15, अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 60। एलसीएम कितना आएगा, 60। तो मैंने कहा एलसीएम 60 आएगा, तो मान लो ये भी 60 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है, तो ये भी 60 किलोमीटर होगी और ये भी 60 किलोमीटर होगा, तीनों ही 60 किलोमीटर होंगे, 60 60 60। अब देखो मैंने कहा एवरेज स्पीड, क्या होगा जल्दी से बताओ। एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। 60 60 60, 180 किलोमीटर की दूरी आपने कवर की है भाई। देखो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, 180 किलोमीटर गए हो, 60 किलोमीटर गए 10 की स्पीड से 6 घंटे, 60 किलोमीटर जाओगे 10 की स्पीड से 6 घंटे लगेंगे, 60 किलोमीटर गए 12 की स्पीड से, 12 5 60 यानी 5 घंटे लग गए, 60 किलोमीटर गए 15 की स्पीड से, 15 4 60 यानी 4 घंटे लग गए, यानी कुल मिला कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाई 6 4 10 5 15, 15 1 कम 15 कितना बचा, 3 30 हो गया, 15 2 30, 12 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी एवरेज स्पीड है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी एवरेज स्पीड है। सर बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बताओ क्लियर कि नहीं क्लियर, मजा आया, मजा आ गया ना। अगर आ गया तो बिल्कुल लाइक शेयर ठोक दो, बिल्कुल लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्दी से लाइक शेयर कर दो। 1 सेकेंड के अंदर मैं आपको केवल 10 सेकेंड दे रहा हूं, 10 सेकेंड के अंदर जिस टेलीग्राम पे हो, मेरे टेलीग्राम पे भाई, मेरा भी मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम, जिस टेलीग्राम पे जुड़े हो जल्दी जाके शेयर करके आओ, जल्दी शेयर करके आओ, और फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन 4 वाला करा दिया, इससे बड़ा क्वेश्चन 100% जीडी में नहीं आएगा, एवरेज स्पीड का 100% जीडी में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, 100% जीडी में बेटे इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है आपसे। चलो देखो जल्दी 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 शेयर कर दो, ठोको लाइक शेयर, बिल्कुल बिल्कुल लाइक शेयर बिल्कुल दबा के ठोक दो, ठीक है, जल्दी से शेयर करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल 4 consecutive equal distance एट अ स्पीड ऑफ 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, बहुत ध्यान से देखो। अब आप 4 दूरी तय कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कह रहा हूं 4 हो या कितनी भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आपकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में आपकी स्पीड कितनी हो गई, बाद में आपकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे, उसके बाद कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितनी हो गई, कहोगे सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। पहले 10 फिर 20 फिर 30 और 40, आपको पता है 10 20 30 40, 10 20 30 40, एलसीएम कितना होगा 120, एलसीएम कितना होगा बच्चे 120, एलसीएम कितना होगा 120, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, एलसीएम कितना आएगा 120। मान लो बच्चे ये भी 120 किलोमीटर है, ये भी 120 किलोमीटर है, ये भी 120 किलोमीटर है और ये भी 120 किलोमीटर है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, चारों 120 किलोमीटर है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, जल्दी बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बेटे क्या होगी, 120 120 120 120, 12 4 48 यानी 480 480 किलोमीटर जा रहे हो, कितना जा रहे हो 480 किलोमीटर जा रहे हो भाई। 120 जाओगे 10 की स्पीड से 12 घंटे, 100 स्पीड जाओगे 20 की स्पीड से 6 घंटे, 120 जाओगे 30 की स्पीड पे 3 चौको 12 4 घंटे, 120 जाओगे 40 की स्पीड से 3 घंटे
यानी कुल मिला के हो गया 480 डिवाइडेड बाई 12, 6, 18, 18, 4, 22 और 3 कितना हो गया 25, 5 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 5 और 5 से कैंसिल कर दो 5, 9, 45, 3 बचा 30 हो गया, 5, 6, 30, 19, 5, 95 और 1/5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये क्वेश्चन आपने करा है ना तो इससे बड़ा क्वेश्चन जीडी में नहीं आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन बेटे जीडी में नहीं आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन बेटे जीडी में नहीं आएगा। चलो क्लियर कि नहीं क्लियर, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए यस सर क्लियर, ठीक है एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया लाजवाब बेहतरीन। नेक्स्ट अब ये करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्या अनाउंसमेंट करें, चलो इस क्वेश्चन के बाद एक अनाउंसमेंट करते हैं आप लोगों के लिए, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ जर्नी मैन कवर्ड 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ही कवर्ड द 150 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन कितनी। बहुत ध्यान से देखो, अगर आप लोग देखो ध्यान से देखो यहां पर देखो आपसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग जर्नी मैन कवर्ड 100 किलोमीटर, आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय की है, 100 किलोमीटर की दूरी तय की कितने पे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ही कवर्ड द 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है, कितने की 150 किलोमीटर की दूरी बच्चे आपने तय की कितने की स्पीड से, यहां पर आपने 150 किलोमीटर की दूरी तय की है, तय की है कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बताओ एवरेज स्पीड क्या। यही तो क्वेश्चन कहा है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, क्वेश्चन लिखा है केवल। अब जरा ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है कि सर बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, मैंने कहा एवरेज स्पीड क्या होगी जरा बताओ। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर कुल दूरी कितनी हो गई, 250 किलोमीटर अपॉन 250 किलोमीटर गए 20 की स्पीड से। देखो 100 किलोमीटर जा रहे हो 20 की स्पीड से, 100 किलोमीटर 20 की स्पीड जाओगे 20 × 5, 100, 5 घंटे। 150 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से 5 घंटे, तो 250 डिवाइडेड बाई 10 कितना गए 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे यानी बी ऑप्शन, 25 किलोमीटर प्रति घंटे यानी बी ऑप्शन, 25 किलोमीटर प्रति घंटे यानी बी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलने से पहले एक इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही करके रहा हूं। ये लो बच्चे, ये लो, इसको ध्यान से देखो, इसको ये क्या लिखा है, एसएससी जीडी 2021 महामैराथन संपूर्ण गणित का निचोड़ एक ही क्लास में, मतलब पूरी क्लास का पूरा 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 मैथमेटिक्स, फुल मैथमेटिक्स, जितना मैथमेटिक्स आपके जीडी में पूछा जाता है, जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके जीडी में पूछे जाते हैं, उन सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कल मैं एक स्पेशल महामैराथन लेकर आ रहा हूं, जो 6 बजे स्टार्ट होगी और कई बजे खत्म होगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन 5-6 घंटे तो चलेगी चलेगी। 6 बजे शाम 6 बजे इसका शुभारंभ होगा, कहते ना अखंड क्लास का शुभारंभ हम करेंगे 6 बजे से, महामैराथन। ठीक है, ये मैंने किसके लिए प्लान की, इतनी बड़ी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं, 1 घंटे खड़े होने पसीने निकल आते हैं, 1 घंटे में पसीने निकल आते हैं। मैं कह रहा हूं 6 बजे कल शुरू करूंगा और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स एक क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा जीडी के लिए, जीडी के लिए वो सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे मैं इसमें करा दूंगा। तो एक बात मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कितने लोग कल की क्लास में 6 बजे मुझसे जुड़ने वाले हैं, कल 6 बजे की क्लास में कितने लोग मुझसे जुड़ने वाले हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, बिल्कुल जल्दी बताओ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक बार कमेंट करके बता दो भाई। हाँ ये लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट में बता दो, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं आप सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अ पर्सन कवर 9 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर,
15 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन कवरिंग इंटायर डिस्टेंस. पूरे डिस्टेंस में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी. बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो. अब आप देखो तीन जगह वो कवर कर रहा है. देखो पहले वो 9 किलोमीटर गया है, 9 किलोमीटर गया है, और यहां पर आपकी स्पीड कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटे. और फिर आपका कितना गया 15 किलोमीटर गया है, यहां पर आपकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे. ठीक है, फिर यहां पर 30 किलोमीटर गया है और यहां पर आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे. ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे. ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, जल्दी बताइए. देखो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. 30, 15, 45 और 6 कितना होगा, 45 और 6 कितना होगा 54, 45 और 9 कितना होगा, सॉरी 45 और 10 55, एक कम का तो 54, यानी 54 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 54 किलोमीटर है. देखो 9 किलोमीटर जा रहा हूं 3 की स्पीड से 3 घंटे, 15 किलोमीटर गए 5 की स्पीड से 3 5 15 3 घंटे, 30 किलोमीटर गए 10 की स्पीड से 3 घंटे. तो 54 डिवाइडेड बाई 9, 9 छाका 54, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है. बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, वेरी 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 गुड. चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में है. कल एक स्पेशल क्लास होगी और परसों फिर हम आपको यही पढ़ाएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस. ठीक है, ये होमवर्क है. बोलो क्लास कैसी लगी, क्लास जब खत्म हो जाए, वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी. ठीक है, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अगर आप एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा पराक्रम बैच ले सकते हैं. इस पराक्रम बैच में क्या होगा, आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा मैं मैथ्स की. ठीक है, साथ ही साथ इसको Y170 कोड से ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. इसे आप adda247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके आप ले सकते हैं. मैथ के लिए कंप्लीट बैच है, इससे बेहतरीन बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा. अगर आपका जीडी का लक्ष्य और आप मैथ्स के कारण आपका एग्जाम अटक रहा है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लो. और दूसरी चीज बताओ, जैसे बच्चे ये जीडी की बेस्ट बुक है, ये जीडी की बेस्ट बुक है, तो इस बुक का, ये जो बुक है इसके भी कल के क्वेश्चन, कल जो मेरा स्पेशल क्लास है इसमें मैं जीडी के इस बुक के क्वेश्चन शामिल करूंगा, आप लोग देखिएगा. ठीक है, तो अगर आपके पास ये जीडी की बुक नहीं है तो जल्दी से ऑर्डर कर लो, इस बुक को जल्दी से ऑर्डर कर लो. और इस बुक पे केवल एक ही कोड अप्लाई होगा इस वक्त, वो होगा Y170 और आगे लगा लो S, केवल एक ही कोड अप्लाई करना आपको Y170S, जिससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है. ठीक है, ये बेस्ट बुक है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है, आप इसको जाके ऑर्डर कर सकते हैं. Y170S कोड है इसके लिए. ठीक है, और ये मैथमेटिक्स का सबसे बेस्ट बैच है, और ये सबसे बेस्ट बुक आपके लिए. दोनों चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी. ठीक है, चलो अब देखो, जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आपको, इस बैच को कैसे ज्वाइन करोगे. देखो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप adda247.com पे जाएंगे. कहां पे जाएंगे, adda247.com पे जाके सर्च कर लीजिएगा. जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पे देखो ऑल कोर्सेस, सबसे ऊपर देखो ऑल कोर्सेस का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर ऑल कोर्सेस पे क्लिक करके, एसएससी पे क्लिक करके जीडी को सेलेक्ट कर लीजिएगा. जैसे ही जीडी को सेलेक्ट करेंगे तो देखो सब यहां पे देखो पराक्रम बैच आपको दिख रहा है. अब पराक्रम बैच की अगर मैं बात करूं तो फी कितनी 1299 रुपए, बट इतना पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स में कराने वाला हूं. आपको क्या करना, यहां पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा, a@gmail.com. यहां पर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y170, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे मात्र 298 रुपीस में, मात्र और मात्र 298 रुपीस में ये पूरा का पूरा बैच आपका हो जाएगा. ठीक है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लें. डिस्काउंट कोड क्या है, Y170. अगर बुक लेनी है, बुक के लिए कोड है Y170, आगे S लगा लेना. ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दी. अच्छा एक चीज और बता दूं भैया, देखो मैथमेटिक्स से तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, केवल मैथमेटिक्स पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा. मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बताओ. मैथ में 25 और 25 में करवा दूंगा, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं. अब जरा ध्यान समझो, देखो अगर आपको सब कुछ चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा आपको स्टैटिक जीके बैच भी चाहिए,
ये देखो हमारा कंप्लीट जीडी कांस्टेबल कंप्लीट न्यू बैच आ रहा है 1 तारीख से, ये भी चाहिए आपको, आपको पराक्रम बैच भी चाहिए, आपको हिंदी का ज्ञान गंगा बैच भी चाहिए, सारे बैचेस चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप महापैक ले लेना। क्या लेंगे आप, महापैक लेंगे। इस महापैक की खासियत क्या, इस महापैक में आपको स्टैटिक बैच भी मिल जाएगा, ये कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा आपका, पराक्रम बैच तो भैया मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मैं खुद दिलाऊंगा आपको, और ज्ञान गंगा बैच भी इसमें मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप जीडी महापैक को ले लें, और जीडी महापैक को ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कोड यूज कीजिएगा Y170। तो तुरंत जाके जीडी महापैक ज्वाइन कर लें, उसमें आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए डिस्काउंट कोड क्या है, अगेन Y170 है। और जाने से पहले बस मैंने आपको यही एक चीज कही है कि मेरे भाई कल की क्लास महामैराथन आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं, जुड़ना मत भूलिएगा। एंड आज का सेशन कैसा लगा एक बार जल्दी से बताइए, सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ SSC अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट हिंदी की क्लास को भी इंजॉय कीजिए। मुलाकात करते हैं बेटे कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों।